हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के बजे हैं 10:30 और आज का व्लॉग अभी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अभी गुड्डू के पापा कर रहे हैं फ़ोन में कुछ आनाकानी जिसे बोलते हैं, न्यूज पढ़ना देखना। फ़ोन में आनाकानी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों की अपडेट, न्यूज, खबर, लेटेस्ट वाली मिलता है। आनाकानी तो काम की हो है। आना खानी तो हल्दी की हो रही, जिसे मैं सुबह के टाइम 1:30 करके घेर में रखी आई, लेकिन वहाँ से भी मैं नाकामयाब लौटी। पिताजी ने कह दिया यहाँ कुछ नहीं बुनेगा अभी। तो ये बचा हुआ है प्रसाद, ये परसों तरसों का, जिस दिन लेंटर लगा था। और ये है बतस्से, और जब हम बालक थे तो बतस्से नहीं पाक रहे थे कहीं हमारे आड़े दिवाड़े में कहीं भी, लेकिन आजकल की जनरेशन इन्हें खाती नहीं। अब इनमें इन्हें थोड़े थोड़े रोज खा रहा, क्योंकि यह प्रसाद इसे फिनिश करना मुझे 1 हफ्ते के अंदर, तो खा ही लूँगा इन्हें मैं। देखिए खाने की बात तो ऐसी है, अगर ये एक ही दिन चाय में डल जाना तो ये सब खाए जाएंगे। और चाय नु कहे खांसी जुकाम वालों के लिए इनकी लाभदायक हो, तो नुस्खे का काम करे। तो नुस्खा बनाने के चक्कर में इनका हाँ। तो ठीक है, इसे नहीं मैं बरत लिए, वैसे तो इन्हें कोई खाने का नहीं मुझे लग रहा। और एक चीज और बताया जा, अगर लौंग के साथ खाया जाए तो और बढ़िया रह गई हो। अच्छा जी, दो पतस्से, दो लौंग चाट गई। अब वैद जी सारा नजला दूर, पतस्से को देखते हैं कितने आइडिया वैद के आगे देख इसके अंदर हैं हर काम के। ये जो है हमने अपनी सासू माँ से सीखा, और ये ऐसे ऐसे नुस्खे ना इस्तेमाल करती रहे तो हमें तभी पता चला जा। चिंकी को है रात से फीवर, और चिंकी को मैं कह रही थी यहाँ पे लौकी तोरी मंगा ली हमने आज, फिर ये देखो वही अपने वाली। तो मैं कह रही हूँ मैं सूप बना दूंगा इनका, सूप पी लिए बढ़िया रहे वो तो, लेकिन आम ही नहीं भर रही एक बार भी। चिंकी की छेड़छाड़ के बिना सारे बच्चे बड़े उदास हैं, क्योंकि छोटे से लेकर बड़ों को सबको ये छेड़ती है, सबके साथ हंसी मजाक प्रैंक करती रहे पता नहीं कैसे कैसे। और कल से ये भी सोच रहे चिंकी दीदी छेड़छाड़ क्यों नहीं कर रही, क्योंकि रात के टाइम ये आराम से यहाँ लेटी हुई थी, टीवी देख रही थी। हम इसे कह रहे खाना खा लें तो इसने ये नहीं बता कि मुझे फीवर है, बस ये तो कहती रही बस खांसी जुकाम नजला सा है और सिर में दर्द हो रहा, और बोलती सी बंद हो रही चिंकी की। तो एक बार के बुखार में क्या बात होगी, चक्कर से आ रहा है मुझे चलते हुए भी। अजी हाँ, और कह रही थी स्कूल में जाने को, स्कूल में जाने के लिए बोल रही थी, फिर मैंने कहा मगर चिंकी रहने दे आज आराम कर, कल देखे जाएगी स्कूल के लिए, क्योंकि सबसे पहले ठीक। और अभी ये देख रही थोड़ी सी देर टीवी, बेटा ज्यादातर रेस्ट करो, टीवी के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, मुंह ढक के सो जाओ। आज मैं सारा दिन यहाँ पे रेस्ट, और सुबह का नाश्ता इसने कर लिया, और आज बनाए थे चिल्ले, और ये आगे इसके लिए ड्राई फ्रूट्स, ये देखो प्रसाद है ये जो इसकी चाची ने दिया है, इधर प्रसाद वितरित हो रहा है ये देखो। तो चलो जी चिंकी को आराम करने देते हैं और टीवी बंद कर देते हैं, थोड़ा पंखा चला देते हैं, बेटा ज़्यादा गर्म कपड़ा नहीं ओढ़ना है, ठीक है, उससे टेम्परेचर बढ़ता है। ओके ठीक है, और अगर कुछ परेशानी हुई तो आवाज़ लगा ली, और पानी पीती रहो थोड़ी थोड़ी देर में। तो चिंकी के लिए कीवी आ गई है, और हाफ हाफ खाएंगे दोनों चाचा भतीजी, भैया का भी रेस्ट चल रहा है अभी, क्योंकि अभी टाइम लगेगा रिकवरी में, कमजोरी बहुत ज्यादा है। कीवी अच्छा है चिंकी, ठीक है, मीठा है, मीठा होता है बेटा, खाकर देखना एक बार, बहुत अच्छा फ्रूट्स है, पहले मैं भी नहीं खाती थी, लेकिन जब मेरे मुंह लगे ना तो मेरा रोज खाने का मन कर रहा था, ठीक है। हाँ मैं खाऊ नहीं थी बिल्कुल भी, फिर मेरा अपने आप ही मन करने लगा ना खाने का, फिर मन ही नहीं बताया जैसे मैं झूठ नहीं बोल रही बिल्कुल भी, मेरा खाने का मन करने लगा था अपने आप ही, इसे तो हंसना बस प्रीति को, तुम्हें तो माने नहीं उठाए, एक चीज खा खा के वो भी तो जा आदमी अपनी नहीं बताना भी, अपने आप तो नारियल पानी भी नहीं पिए जाता। चिंकी ने पहले मेरी केयर करी, अमरूद जैसे लग रहे ना, केयर करो अमरूद जैसे, अमरूद जैसे। हाँ। चिंकी ने पहले मेरी केयर करी, अब मेरा फर्ज है सही केयर करना। नहीं सही बात जी, इन गाना है ना जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, है चाचा तेरा साथ होगा, खाओ खाओ, आधा तेरा है ईमानदारी ते, आधा गाना पूरा तुझे। तो भाई कपड़ों की मशीन लगा दी है, लाइट आ गई थी आज सवेरे से, ज्यादा कपड़े नहीं है, दो बार में धुल जाएंगे,
और आज हमारे यहाँ पर देखो श्राद्ध भी नहीं था, और श्राद्ध मनाने के बाद ही हम लोग शाम के टाइम ही कपड़े धो रहे हैं। जिस दिन होगा श्राद्ध उस दिन बहुत ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे कि ना धोए, क्योंकि ये सब चीज़ें साल भर में एक बार मनाई जाती है, तो जितना हो सके नियम पूर्वक हम लोग हर चीज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों का साथ होने की वजह से ये कपड़ों की धुलाई हमें करनी पड़ती है मजबूरन, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। बैंगन, टमाटर, खीरे, मूली मूली है? मूली लेनी, तोरी तो आगे बिटोड़े पे लग रही तोरी तुम्हारे। हाँ, तीसरे दिन आ जा, अगर कोई तोड़ना नहीं वैसे तोड़ ला तो फिर एक हफ्ते भी हाथ नहीं लगती। मूली क्या भाव है आज? मूली 30 है। मूली ताजी है, ये ऊपर मुझे वैसी लग रही है, ताजी लग रही है ना, ये नीचे वाली ताजी, तो ये रखी है। अजी हवा में हो जाए ये लगती तो। इसने 2 किलो में काम चलागा, उसी में 1 किलो में थोड़ा चल रहा काम। कितने की बतेरी? अरे भाई दिखे ये तो आ ले, ये बड़ी बड़ी सी दे दे, पत्तों वाली, पत्तों की तो भुज्जी बना ए हो दे जी। 2 किलो दे, वो तो 1 किलो तो रहने दे, 1 किलो हो गई। उसमें है सही पत्ते? कौन से लगी है? सही नहीं है इसके पत्ते, सही से हो जिन में आज मेरी इतना खारी थी ना, मुझे डर लग गया एकदम। तो गुफा थोड़ा ही था, चूहों का बिल है, चूहो ने कहा को बिल बना रखा, दीवार में घुस रहा होगा नियम उधर की तरफ, इसमें सांप भी बढ़ जा। ये वहां निकल रही होगी सरदाना। सरदाना तो वाह, वन तो ले गए यहाँ तक काट की, क्यों मैं हाथ ही भर रही थी ना, मैंने फावड़ा लिया ना वो लिया, जब रेता भर रही थी उसमें ट्रे में, तो एकदम से जो हाथ मारा मैंने ऊपर की तरफ तो देखा गया इतना बड़ा छेद दिखाई दिया, मैंने बताया भी नहीं किसी को, डरिया ना मैं कभी रुक के देगा कहीं कहीं घुसती फिर जाए, मैं आराम से अपना काम करो गई। ये था भाई चूहों का बिल ना कि गुफा। नीचे तो कोई नहीं बैठा भाई, ऊपर ही जा रहे क्या सारे? पिताजी चाय पी लो। सारे ऊपर हैं। तुम क्या कर रहे यहाँ से? ये देखो अब तो पिताजी ने तड़की तो मुझे टरका दी थी नुको कदिया के लिया वीरान हो गए, और देखो जब मैं आई तो देखा क्या पिताजी ने, ये कट्टा देखा होगा। हाँ। मुझे पता चल गया है पिताजी मां कदी हल्दी का जुगाड़ कर रहे हो, मां कदी इस पर दया आ गई हो बेचारी, मैंने कहे तो जड़गी धरी धरी। अच्छा यंकू धर देंगे यहाँ को अंदर, कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ कहूँ थी पिताजी, देखो यहाँ कौन सा कुछ आना जाना है, इतना छोटा सी कैरी बना दी तो, एक छोटी सी धनिया की और पालक की। अच्छा दीवार होने के बाद में फिर इस पे लिपाई भी करवाओगे, वो गा देंगे इतने, मुझे शौक थोड़ा ही है जगह नहीं, वो अंकित नु कह रहा था हम बच का लिखड़ा करेंगे। अजी अंकित एक अंकित ही लिखड़ गया, ठीक है एक अंकित ही लिखड़ गया, ठीक है तो ठीक है पिताजी, थैंक यू। मैं तो खुश हो गई थी पिताजी, सच्चे कुछ खुदा पाटी करन लग रही थी के चलो खैर लगेगी तो है ही यार, आज तो मैं हल्दी हल्दी कर रही क्या बहुत दिनों तक कर रही, इसका भी नंबर आवे वही लग जाएगा। जय श्री राम, राम 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 कैलाश पर्वत है एवरेस्ट पर आ गई, तो बस थोड़ी सी कसर रहेगी इसका डाल है कहेंगे। अच्छा डाल तो इसका वही होगा, ऊपर चढ़ जा कोई दिक्कत ना आए इसमें, लेंटर पे मैं फिर उतरूंगी किस तरह, उतरने की कोई टेंशन नहीं, वहां तो चढ़ जा तो उतर दे, उतरने की कोई टेंशन नहीं, टोकरे में बिठा कर उतरवा दे। जय श्री राम। इसे मंडेरे को ना हिलावे, मंडेरा ही पकड़ लिया था, ताजी चिनाई है अभी।
तो जी नए लेंटर पर भी मैंने भी रख दिए अपने कदम। ये देखो आज मैं भी चढ़ी हूँ यहाँ राम राम करके, बड़ी मुश्किल से। वैसे मैं सीढ़ी चढ़ा नहीं करती, मुझे बहुत ज्यादा डर लगे है। ये डंडे वाली सीढ़ी चढ़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, और सब मुझे उस दिन से कह रहे चढ़ के देख ऊपर कैसा लग रहा। बहुत बढ़िया लग रहा यहाँ से व्यू, और पूरा गांव, मंदिर, गांव का सब कुछ नज़र आ रहा देखो। और हरियाली बहुत है हमारे गांव में, और हमारे घर के पास तो बहुत सारी हरियाली है। ये देखो दूर दूर तक नज़र आता है बुढ़ाना भी, और ये भी ऊपर आ जाओ तो बस चंद्रयान थ्री उतर गया ऊपर आ जाओ भी, यहाँ बीच में क्यों खड़े देखियो ये मेरे तो भी ज्यादा डरपोक हो गए। चंद्रयान थ्री ने लैंडिंग कर ले, अब यहाँ से कुछ फुटेज लेकर भेजेगा आपके पास तक। आप देख के बताइए कि इस चंद्रमा में पानी है नहीं है। तो इस चंद्रमा में अभी तक पानी नहीं था यहाँ सतह पे, तो पानी का छिड़काव कर रहे हैं अभी, ताकि इस पानी के चक्कर में दूसरा पानी आ जा तो पानी की खोज तो यहाँ पे कर ली। बाल्टियों तो ला रहे नीचे, तो यार दे दुआ दो हो रही नीचे से पानी लाने का सबसे बढ़िया जुगाड़। ये देखो, और नीचे से चाचा जी बाल्टी भर के दे रहे, और अंकित भाई जो है इसमें रस्सी से खींच रहा। ये जैसा निजू डोर उसमें कुएं में तो नहीं खींचे करते, वो तरीका अपना रखा बिल्कुल। बहुत सारे काम अभी पुराने वाले तरीके तो हुए हैं जो सक्सेसफुल है, देख लो। छत के ऊपर फिनिशिंग करने की तैयारी, ये देखो फिनिशिंग होगी अभी इस पर। और सबसे पहले खाली सीमेंट इस तरीके से डाला जाएगा। पिताजी ने बताया, पिताजी को हर चीज़ का एक्सपीरियंस है। बाय बाय छत, अब तो मैं जब चढ़ूंगी यहाँ से, जब रेलिंग हो जाएगी और सीढ़ियाँ लग जाएगी, ओरिजिनल वाली, डंडे वाली नहीं, ओरिजिनल वाली। अच्छा, बस जब ही चढ़ूंगी अब तो मैं यहाँ, उससे पहले नहीं चढ़ने की। पहले तो उतरने का जुगाड़ करूंगी वाकई। चढ़ना तो आसान है लेकिन उतरना बड़ा मुश्किल है। सही कह रही, पिंकी आराम कर ले बेटा, तू क्या लेने आ गई? हूं तो कह रही थी मुझे थकान हो रही। उतर मैं उतर जाऊंगी। इधर को मुंह कर गए जैसे बस की खिड़की में तो उतर रहे हैं। टेक लपा नूका बिल्कुल एकदम ही बुद्धा ही है, मंडेरे के भरोसे न रहिए अभी लगायो। कदी मंडेरा ही पकड़ के उतरे। पिंकी देख, तेरी मम्मी भी सीढ़ी वो भी चढ़ गई आज, तू तो कहीं पर चढ़ ली उस दिन तक। जय श्री राम। चाय पानी का कार्यक्रम समाप्त, चिंकी आ गया। तुझे आवा था बच कर रहना, तो आओ मैं लौट के चिंकी आ गया। आज इसके चाचा इसका ध्यान रख रहे पूरा इसके। देखो ये लौटी आ गए, भी आ गए लौटी। पापा ऐसे कहते रहे थे कि जब ये मोटा कम्बल ना ओढ़ो रखिए सारा दिन। हाँ ये बात ठीक कह रहे, टेम्परेचर बढ़ा है वो गर्म कपड़ा ओढ़ने से। ठीक है तो चलो चलो भाई चलो।